क्योंकि आज ब्लू कलर पे बात हो रही है, मैंने सोचा क्यों ना आपसे एक ब्लू कलर के स्टोन की भी बात करूं। ब्लू कलर के स्टोन्स की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं, लेकिन जिस स्टोन से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं या जिस स्टोन को बहुत ज़्यादा मैजिकल समझते हैं, दैट इज़ ब्लू सफ़ायर, जिसको हम नीलम बोलते हैं। ब्लू सफ़ायर को अगर हम देखें तो हमने देखा कि मिस्टर अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा डाउनफॉल से जा रहे थे, दोनों हाथ की मिडिल फिंगर में नीलम पहनते हैं। उसके बाद हमने देखा KBC हिट हुआ और वापस से उनकी प्रोग्रेस और ग्रोथ स्टार्ट हुई। तो नीलम को लोग पहनते हुए बहुत डरते हैं, उनको लगता है ये स्टोन रातों रात आदमी को ऊपर और नीचे पहुंचा सकता है। इसमें काफ़ी हद तक मैं इस चीज़ को मानती हूँ, लेकिन इस चीज़ को समझना होगा कि आप किसी भी स्टोन को जब आप पहनते हैं, स्पेशली अपनी फिंगर्स पे, तो बहुत ज़्यादा स्टोन नेक में पहनते हैं, किसी भी चीज़ को काम करने के लिए नेचुरल लाइट एंड एयर चाहिए। तो गले में कोई भी स्टोन उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाता जितना फिंगर्स पे काम कर पाता है। नीलम के लिए जो फिंगर होती है वो सैटर्न की फिंगर यानी कि मिडिल फिंगर होती है। इस फिंगर पे जब आप नीलम पहनते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप इसके सिंपलर सब्स्टिट्यूट्स को हफ्ता भर ट्राई करें। आप लपीज लजूली या एमेथिस्ट को, या नीली जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके ब्रेसलेट को भी आप राइट हैंड पे पहन सकते हैं, इसको बेड के पास रख के सो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ड्रामेटिक इफेक्ट आपको नहीं देगा। तो आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली 4-5 दिन में, हफ्ते में, महीने भर में समझ आ जाएगा कि आप नीलम के लिए रेडी हैं भी या नहीं। अदरवाइज जो लोग डायरेक्टली नीलम पहनते हैं उन्हें सजेस्ट किया जाता है कि आप 2 रातें इसको डॉक्टर टेप से लगाइए अपने हाथ पर, हल्का सा डॉक्टर टेप को स्ट्रेच कीजिए ताकि बिल्कुल थोड़ी सी लाइट उसमें जा सके। डॉक्टर टेप इसलिए क्योंकि उससे गीला होने पर भी स्टोन फिसलता नहीं है, बैंडेड से फिसल जाता है। तो इसके बाद आपको 2 दिन में सपनों से, दिन के पैटर्न से समझ आ जाता है वेदर द स्टोन इज सूटिंग यू आर नॉट। इसको पहनने से फ़र्क क्या पड़ता है? अगर आपके हॉरोस्कोप में सैटर्न अच्छा है तो ये शनि की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। सैटर्न इज अ फेयर प्लैनेट, अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं आपको अच्छा रिजल्ट देता है, आपकी मेहनत बढ़ा देता है, आपके इफेक्ट को बढ़ा देता है, आपकी ऑब्जर्वेशनल पावर को बढ़ा देता है, आपके गेंस को बढ़ा देता है, आपके प्रॉफिट को बढ़ा देता है, लेकिन उस सबको आपको देता है बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा इफेक्ट कराकर। जैसे आपने देखा मिस्टर अमिताभ बच्चन भी दोनों हाथ में नीलम पहनते हैं, तो अपने बैड टाइम के बाद जब उन्होंने नीलम पहना तो ये एफर्ट बढ़ गया। आज की डेट तक वो काम कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, और उनमें काफ़ी ज़्यादा सैटर्न की क्वालिटीज़ भी हैं। डिसिप्लिन होना, समय पर आना, टाइम की वैल्यू करना, ये सारी सैटर्न क्वालिटीज़ जो ऑलरेडी हैं उसको और इन्हेंस कर देता है, हैंस रिजल्ट अच्छे देता है। लेकिन वी ऑलवेज बिलीव दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो शनि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करने लग जाता है तो स्टमक के इश्यूज़, पेट की दिक्कत, एसिडिटी की प्रॉब्लम, एयर एलिमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, आपके आपको थोड़ा थोड़ा लोगों से काट देता है, कभी कभी डिप्रेशन में भी ले जाता है। सो मेक श्योर यू डोंट ओवर डू एनीथिंग। जैसे मैं बार बार लोगों को कहती हूँ कि आँख बड़ी सुंदर है, लेकिन आँख बहुत ही बड़ी हो जाएगी तो डरावनी हो जाएगी। सो मेक श्योर यू बैलेंस आउट बिफोर ट्राइंग एंड वेयरिंग एनीथिंग। सो ट्राई इट आउट इन अ सटल फॉर्म्स फर्स्ट एंड सी हाउ डज इट प्ले फॉर यू। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।